इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय तीन। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय तीन। तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरियाह नाम पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी ओरनान के खलिहान में तैयार किया था। उसने अपने राज्य के चौथे वर्ष के दूसरे महीने के दूसरे दिन को बनाना आरंभ किया। परमेश्वर का जो भवन सुलेमान ने बनाया उसका यह ढब है, अर्थात उसकी लंबाई तो प्राचीन काल की नाप के अनुसार 60 हाथ और उसकी चौड़ाई 20 हाथ की थी, और भवन के सामने के ओसारी की लंबाई तो भवन की चौड़ाई के बराबर 20 हाथ की थी और उसकी ऊंचाई 120 हाथ की थी। सुलेमान ने उसको भीतर चोखे सोने से मढ़वाया और भवन के बड़े भाग की छत उसने सनोवर की लकड़ी से पटवाई और उसको अच्छे सोने से मढ़वाया और उस पर खजूर के वृक्ष की और सांकलों की नक्काशी कराई। फिर शोभा देने के लिए उसने भवन में मणि जड़वाए और यह सोना परवैम का था, और उसने भवन को अर्थात उसकी कड़ियों, देवड़ियों, भीतों और किवाड़ों को सोने से मढ़वाया और भीतों पर करूब खुदवाए। फिर उसने भवन के परम पवित्र स्थान को बनाया। उसकी लंबाई तो भवन की चौड़ाई के बराबर 20 हाथ की थी और उसकी चौड़ाई 20 हाथ की थी, और उसने उसे 600 किक्कार चोखे सोने से मढ़वाया, और सोने की किलो का तौल 50 शेकेल था, और उसने अटारियों को भी सोने से मढ़वाया। फिर भवन के परम पवित्र स्थान में उसने नक्काश के काम के दो करूब बनवाए और वे सोने से मढ़वाए गए। करूबों के पंख तो सब मिलकर 20 हाथ लंबे थे, अर्थात एक करूब का एक पंख 5 हाथ का और भवन की भीत तक पहुंचा हुआ था, और उसका दूसरा पंख 5 हाथ का था और दूसरे करूब के पंख से मिला हुआ था, और दूसरे करूब का भी एक पंख 5 हाथ का था और भवन की दूसरी भीत तक पहुंचा हुआ था, और दूसरा पंख 5 हाथ का और पहले करूब के पंख से सटा हुआ था। इन करूबों के पंख 20 हाथ फैले हुए थे और वे अपने अपने पाओ के बल खड़े थे और अपना अपना मुंह भीतर की ओर किए हुए थे। फिर उसने बीच वाले पर्दे को नीले, बैंजनी और लाल रंग के सन के कपड़े का बनवाया और उस पर करूब कढ़वाए, और भवन के सामने उसने 35-35 हाथ ऊंचे दो खंभे बनवाए, और जो कंगनी एक एक के ऊपर थी वह 5-5 हाथ की थी। फिर उसने भीतरी कोठरी में सांकले बनवाकर खंभों के ऊपर लगाई और 100 अनार भी बनाकर सांकलों पर लटकाए। उसने इस खंभों को मंदिर के सामने एक तो उसकी दाहिनी और दूसरा बाई ओर खड़ा कराया, और दाहिने खंभे का नाम याकीन और बाएं खंभे का नाम बोअज रखा।